मनोई में बिजली की हालत देखी जाए तो दरख्तों के साथ तार बंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पुकार न्यूज में। मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं आज के कुछ मुख्य समाचार। आज भलेसा की पंचायत भटियास गांव मनोई के लोगों ने पुकार न्यूज से बातचीत की और अपनी समस्या के बारे में बताया। मनोई के यूथ प्रेसिडेंट आबिद मलिक ने पुकार न्यूज के माध्यम से ये बताया कि उनके गांव के लिए पक्का रास्ता नहीं है और बिजली की बात की जाए तो बिजली की तारें भी अव्यवस्थित ढंग से हैं। उनके कहने के अनुसार मनोई के एक वार्ड में पिछले 3 दिन से बिजली नहीं है और इस बात की जानकारी बिजली विभाग के पास है, परंतु अभी तक बिजली विभाग का कोई भी कर्मचारी वहां नहीं आया। उन्होंने चुनाव का जिक्र करते हुए ये बताया है कि चुनाव के समय लोगों के साथ बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वे सब कुछ भूल जाते हैं। उन्होंने निराश होते हुए ये बताया है कि 30 साल हो गए, दुनिया बहुत दूर चली गई, पर मनोई अभी तक उसी हालत में है। बिजली के साथ ही साथ उन्होंने पानी की समस्या के बारे में भी बात की। बहुत दूर से वहां पानी आता है, जबकि पानी की पाइपलाइंस भी सही हालात में नहीं है। उन्होंने प्रशासन से ये अनुरोध किया है कि उनकी बिजली की समस्या को जल्द से जल्द हल किया जाए, वरना वे लोग सड़क पे आ जाएंगे। इसके अलावा क्या कुछ उन्होंने पुकार न्यूज के माध्यम से कहा, आइए देखते हैं भलेसा से हमारे संवाददाता शीतल कोतवाल की इस रिपोर्ट में। आदाब नाज़रीन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से पुकार न्यूज में। मैं हूं आपका मेजबान शीतल कोतवाल। आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुकी है मनोई की जो यूथ है, हमारे साथ जुड़ चुकी है बात करने के लिए। बात करेंगे इनके साथ कि कितना अभी तक इनका जो एरिया है कितना अभी तक डेवलप हुआ है और क्या क्या इनके मसले हैं। तो सीधे मैं आपको ले चलता हूँ यूथ के जो प्रेसिडेंट हैं आबिद मलिक। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप बताएं कि क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या समस्या मनोई की चल रही है अभी तक। सबसे पहले शीतल जी, शुक्रिया आपका जो आपने हमें टाइम दिया। मनोई में तो अभी बेसिकली देखा जाए मनोई में तो 0% है अभी तक पक्का पाथ, जहाँ की हर एक गांव के लिए रोड है। आज ब्लैक टॉप हर रोड के लिए आ रहा है। मनोई अभी भी पक्का पाथ कच्चा पाथ की बात कर रही है। मनोई में बिजली की हालत देखी जाए तो दरख्तों के साथ तार बंधी हुई हर जगह भी बदतर है। मतलब कच्चे जो दरख्त हैं, देवदार हैं, उनके साथ तार बंधी हुई है। लाइट का 3 दिन से एक वार्ड में बिल्कुल लाइट नहीं है। डिपार्टमेंट से हमने बात की, बार बार फ़ोन करने के बावजूद भी वो अपना कोई वहाँ बंदा नहीं भेज रही। तो दूसरी बात भी देखी जाए, कच्चा पाथ या पक्का पाथ, ऐसे फजूल में जो भी पॉलिटिक्स लीडर वहाँ पे आ रहे हैं, फजूल लोगों के साथ ऐसे वादे किए जा रहे हैं। अब इलेक्शन का टाइम है, अब यहाँ पे नेताओं की अंबार लगेंगे, हम आपके साथ ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। लेकिन मनोई में पिछले 30 साल से लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, मगर मनोई अभी भी उसी हाल में पड़ा हुआ है। आप खुद जानते हैं, देखिए पहले स्कूल है नीचे हमारा हाई स्कूल, 30-40 साल से इसमें कोई बिल्डिंग है, 30-40 साल से अभी तक हाई सेकेंडरी बन गई, हर स्कूल जो भी हाई स्कूल थे वो हाई सेकेंडरी बन गई, कोई कहीं पे कॉलेज बन गई, इसकी अभी तक बिल्डिंग तैयार नहीं हो रही है। अब दूसरी बात की जाए यहाँ पे पानी का, पानी बहुत दूर से लगभग 8-10 किलोमीटर से पानी हमें आ रहा है, तो उसकी पाइप लाइन बहुत ख़राब हालत है उनकी, लोग खुद वहाँ पे जा रहे हैं। तो दूसरी, सर आप मलिक साहब, आप हमें बताएं कि कितना परसेंट अभी तक जो आपका मनोई है, जो आपका ब्लॉक है, कितना परसेंट अभी तक डेवलप है? तो और क्या क्या आप परसेंटेज की बात ही मत करिए, परसेंटेज जो है माइनस में जा चुकी है। तो हमारा फिलहाल आज मुद्दा इतना है, खाली मुद्दा, बाकी काम हम छोड़ रहे हैं। इस वक्त जो हमारा मेन मुद्दा है वो है लाइट का। आपको याद होगा सभी लोगों को कि परसों 2 दिन पहले जो बारिश आई थी, 2 दिन बारिश, मतलब एक ही दिन बारिश आई, उस दिन से हमारी मनोई में लाइट गायब है और आज 4th दिन जा रही है। जय हिसाब से हमने बात की, उसके बाद हमने अपना मतलब जो यहाँ के लाइनमैन से हमने बात की, एक लाइनमैन बोलता है हमारी यहाँ से ट्रांसफर है। या तेरी अगर ट्रांसफर है तो दूसरा बंदा कहाँ है, दूसरा बंदा लाइन ठीक करने क्यों नहीं आता है? जई साहब क्यों इतने डीले कूद है? तो उनको थोड़ा मतलब एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ के लिए। पब्लिक काम करती है, पैसा डिपार्टमेंट खाता है, डिपार्टमेंट बोलता है भाई काम हमने किया, तो पब्लिक काम क्या करेंगे? तो इसलिए हम मतलब गवर्नमेंट इंतजाम से खूबसूरत गुंडो डिवीजन सब डिवीजन अपनी से ये रिक्वेस्ट करते हैं हमारी लाइट को फिल फोर, आज के डेट में आज के शाम तक हमें लाइट चाहिए। अगर नहीं हुआ तो मनोई की यू जो है रोड पे आ जाएगी। हम ये आपको चैलेंज दे रहे हैं, कल शाम तक हमें लाइट चाहिए। शुक्रिया शीतल जी, आप हमारी ये बात अपने माध्यम से वहां तक पहुंचा दीजिए जी। तो ये थे हमारी जो मनोई की
हमारे साथ जुड़ चुकी थी, जिन्होंने अपनी समस्या अपने सामने रखी और साफ साफ एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की गई है कि उनके जितने भी मसले हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए, नहीं तो लोग रोडों पे उतर आएंगे। तो ये थी हमारी खास पेशकश, कैमरामैन रिजवान मलिक के साथ शीतल कोतवाल, पुकार न्यूज़ भिलेसा।